दोस्तों Xiaomi ने चुपके से इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Redmi 10A स्पॉट को लॉन्च कर दिया है। अब कौन सा माल फूक के इस स्मार्टफोन को लॉन्च करा है भैया, मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको इस स्मार्टफोन को लेने से बिल्कुल मना कर रहा हूँ। मतलब अगर आपकी बजट 11,000 रुपये और कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो और आप ये स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई जो है 11,000 रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट हो जाएंगे। और अगर मैं आपको ये स्मार्टफोन लेने से मना कर रहा हूँ तो इसके जगह पर आपको कौन सा दूसरा स्मार्टफोन लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे Redmi 10A स्पॉट के जो है प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, इंडियन मार्केट में ये सिंगल वेरिएंट में लॉन्च करा गया है जो कि निकल कर आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 10,999 रुपए। अब थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखिए कि 11,000 रुपए में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6.53 इंच का एक HD प्लस वाला TFT डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है। मतलब 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चलो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बट क्या TFT पैनल आज के रेट में आप 11,000 में प्रोवाइड कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सामने की तरफ वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले, जहाँ पे सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। अरे भाई, एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल देना चाहिए था, बट नहीं, आपने 5 मेगापिक्सल प्रोवाइड करा। क्लैप फॉर Xiaomi, बहुत अच्छा काम करा आपने Xiaomi ने। खैर, यहाँ पे हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आपको बैक की तरफ जो एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि है 13 मेगापिक्सल का। भाई एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल का तो प्रोवाइड कर देते, बट नहीं, 13 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करा है, क्या सेंस बनता है भैया इसका। खैर, बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि माइक्रो USB केबल के साथ में आता है। मतलब माइक्रो मैक्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है 8,8500 रुपये में टाइप सी पोर्ट, और आप 11,000 में प्रोवाइड करते हो माइक्रो USB केबल जो कि 10W के सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो यार, 18W का चार्जिंग देना चाहिए था, क्या दिया 10W का चार्जर, थोड़ा सा भी सेंस बनता है स्मार्टफोन का। अब सबसे बड़ी वाहियात चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से सुपर डुपर फास्टर चिपसेट Helio G25। सही सुना आपका कान खराब नहीं है, Helio G25। सस्ता माल फूकते हो Xiaomi, कौन सा माल फूके हो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग रखने से पहले, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब 11,000 रुपये में Helio G25 क्या सोच कर दियो? मतलब और दूसरी कंपनियां फुद्दू है, आप ही जो फास्ट में काम कर रखे हो, Snapdragon 680 प्रोवाइड कर रहे हो 10-11,000 में, तो आप तो गलत काम किए हो। Dimensity 700 11,000 में आप देते हो, आप तो गलत काम करते हो, है ना, आप तो गलत काम करते हो। आप ही का जो ब्रांड है पोको M4 5G कितना अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, लेकिन नहीं, आपको उससे क्या मतलब है कि नहीं, आपको तो बस फुद्दू काटना है लोगों का। अरे क्या सेंस बनता है जी, Helio G25 अभी 11,000 रुपये में दे रहे हो, अकल वकल है कहाँ, सस्ता ना सा फूकते हो, कौन सा माल फूके हो जी, थोड़ा भी शर्म नहीं है। खैर, यहाँ पे आपको बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट्स भी दे दिया गया है, सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं, MIUI 12.5 पे रन करेगा जो कि एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, 9mm की थिकनेस एंड 194 ग्राम इसका वेट है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन यानी रेडमी 10A स्पॉट की। अब आपको लग रहा होगा कि भाई Xiaomi ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करा, अरे घंटा मेरा, नया स्मार्टफोन कुछ नहीं है, इससे पहले इसने Xiaomi ने 2-3 बार स्मार्टफोन को लॉन्च कर रखा है। इससे पहले आज से काफ़ी टाइम पहले Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च करा था Redmi 9i स्पॉट और Redmi 9A स्पॉट, ये उसी का रीब्रांडेड है। बस 9i स्पॉट और 9A स्पॉट में हमें बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिला था, बट 10A स्पॉट में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को पीछे चिपका दिया गया है। मतलब अंदर का माल मटेरियल वही है, सिर्फ नया कपड़ा पहना कर इसे लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने। भाई कब तक घसीटोगे इस स्मार्टफोन को, कब तक, मतलब Helio G25 नशेड़ी हो तुम Xiaomi, नशेड़ी करके ये फ़ोन तुम लॉन्च किए हो, नशा करके, ऐसे नहीं हो सकता स्मार्टफोन लॉन्च यार। Helio G25 थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए था एक बार 11,000 रुपये में। अरे चलो 6GB रैम 128GB आपने प्रोवाइड करा, आप खुद सोचो Xiaomi कि Helio G25 आप दिए और 6 128 दिए हो, इसका थोड़ा भी सेंस बनता है? 6GB रैम लेकर इंसान क्या करेगा, चलो 128GB इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पे कुछ स्टोर कर लेगा, बट 6GB रैम Helio G25 के साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है भैया,
कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बैठता है। खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे मोटरोला कंपनी की तरफ से मोटो G31, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज ही देखने को मिलता है। बट आप यकीन मानो जो आप डे टू डे लाइफ करोगे वो सारे काम इस स्मार्टफोन में आप कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो जितने काम आप Redmi 10A स्पॉट में कर पाओगे ना वो सारे के सारे काम आप इसमें भी कर पाओगे, मोटो G31 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4 प्लस 64, जिसकी प्राइसिंग 10,000 रुपये है, मैंने अभी चेक करा फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है हेलियो G85 चिपसेट। समझ लो कहाँ हेलियो G25 है कहाँ हेलियो G85 है, भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 18W का फास्ट चार्जिंग, उससे ही बड़ी बात है, यहाँ पे आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। बैक की तरफ जो है यहाँ पे 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है मोटो G31 में। तो आप खुद बताओ कि आप मोटो G31 जैसा बेस्ट स्मार्टफोन छोड़कर, इतना तगड़ा स्मार्टफोन छोड़कर के आप Redmi 10A स्पॉट लेना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा लास्टली इस वीडियो के कि जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहना Redmi 10A स्पॉट से, मतलब फ़ोन को ना देखते ही दूर से भाग लेना भाई, दूर से भाग लेना, इस स्मार्टफोन के आसपास ही मत भटकना। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, बिल्कुल ही मत लेना इस स्मार्टफोन को, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे 11,000 रुपये। सीधा जाकर मोटो G31 ले लो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi 10A स्पॉट से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।